यूपी के मैनपुरी में पुलिस से शिकायत करने पहुंचे युवक की ही पुलिस ने पिटाई कर दी। मैनपुरी के थाना कुरावली इलाके में युवक अपनी पत्नी के साथ जा रहा था कि तीन बदमाशों ने पति की आंख में मिर्ची का पाउडर डालकर उसकी पत्नी को अगवा कर लिया। पति का आरोप है कि बदमाशों ने उनकी पत्नी के साथ गैंगरेप किया और लूटपाट की। शिकायत करने गए महिला के पति के साथ पुलिस ने मारपीट की और झूठी शिकायत का आरोप लगाकर भगा दिया। मामला उजागर होने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है। मेडिकल जांच में महिला से रेप की पुष्टि नहीं हुई है। एक महिला और उसके पति के साथ घटना हुई थी। महिला का अपहरण कर लिया गया था और जब पति थाना बिछवा में शिकायत करने के लिए गया तो थाना अध्यक्ष बिछवा द्वारा उसके साथ मारपीट की गई तो भाग किया था। इस संबंध में थाना अध्यक्ष बिछवा उसके जो साथ के हमराही थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और पीड़िता के पति की तहरीर पैमूद में पंजीकृत कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट से भी रेप की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। पुलिस ने तीन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ गैंग रेप, अपहरण और लूट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। चेकिंग हमारा लगातार चेकिंग हमारी चल रही है और हमारी चार टीम इस समय काम कर रही हैं और उम्मीद है बहुत जल्दी घटना खुलासा हम करेंगे। घटना शुक्रवार रात की है। पीड़ित दंपत्ति बुलंदशहर के सिकंदराबाद से मैनपुरी जा रहा था। महिला को एटा के पास बेहोशी की हालत में छोड़कर बदमाश भाग गए। महिला के पति के साथ पुलिस के बर्ताव से इलाके में गुस्से का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।